नमस्कार, शाखानव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र नायक। आइए देखते हैं दिन भर की खास खबरें। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने कफ परेड में एक फ्लैट पर छापा मारा तो उन्होंने पाया कि कुछ लोग एक टेबल पर पोकर जुआ खेल रहे थे। पुलिस को जांच में पता चला कि यह फ्लैट हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ वकील का है। कफ परेड पुलिस ने इस मामले में वकील सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस फ्लैट से क्राइम ब्रांच ने 2,75,000 रुपये और पोकर खेलने के लिए लगने वाले सिक्के के साथ साथ कई सामान भी बरामद किए हैं। रियलिटी शो बिग बॉस का 13वां सीजन शो इस इतिहास का सबसे बुरा सीजन बनता जा रहा है। हाल ही में शो के प्रतिभागी अरान खान और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच हुए झगड़े के दौरान अरान खान की सिद्धार्थ पर एसिड फेंकने की धमकी शो के दर्शकों को नागवार गुजरी, जिसके बाद लोगों ने ट्विटर पर मुंबई पुलिस और शो के मेकर से अरान पर एक्शन लेने की मांग की। मुंबई के उपनगर विले पार्ले में स्थित 13 मंजिला लाभ श्रीवाली इमारत के 7वें और 8वें माले पर रविवार शाम 7:10 पर भीषण आग लग गई। दमकल की 8-10 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है। अधिकारी ने बताया कई लोगों के इमारत में फंसे होने का अंदाजा है। बचाव अभियान चल रहा है, हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एक मामला सामने आया तेलंगाना के नागरकुलम जिले का, जहां डिलीवरी के दौरान डॉक्टर ने नवजात को इस तरह खींचा कि उसका सिर कटकर हाथ में आ गया और धड़ गर्म में ही रह गया। महिला के परिजनों द्वारा हंगामा करने के बाद महिला डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान से कहा, जो हिंदुस्तान के मिट्टी के मुसलमान हैं, जिनके पुरखे माँ भारती की संतान हैं, उन पर नागरिकता कानून और NRC दोनों का कोई लेना देना नहीं है। कोई देश के मुसलमानों को ना डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है, ना हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर है। ये सफ़ेद झूठ है, ये बद इरादे वाले खेल रहे हैं, ये नापाक खेल है। राज्य की आबकारी विभाग स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट ने लोनावला के निकट कुछ गांव टोल नाका पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में नकली शराब बरामद की है। यह शराब एक कंटेनर में भरी हुई थी, जिसे गोवा से महाराष्ट्र भेजा जा रहा था। वाराणसी से बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां दुष्कर्म पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट के बाद भी आरोपी पर कार्रवाई न होने से नाराज होकर अपने माता पिता के साथ SSP दफ्तर के बाहर जाकर जहर खा लिया। पीड़ितों को इलाज के लिए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां तीनों की हालत नाजुक बनी हुई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को हुनर हट का उद्घाटन किया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 20 से 31 दिसंबर 2019 तक MMRDA ग्राउंड बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में हुनर हट आयोजित किया जा रहा है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में हो रहे बवाल, आगजनी जैसे माहौल ने पर्यटन कारोबार पर बुरा प्रभाव डाला है। आने वाले काफ़ी सैलानियों ने अपने टूर की बुकिंग रद्द करा दी है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से चंडीगढ़ के लिए रवाना होने कुछ ही मिनट बाद गो एयर की एक उड़ान तकनीकी गड़बड़ी के कारण लौट आई। एयरलाइन ने कहा कि इस विमान में 169 यात्री थे। कभी कुछ महीने पहले कुर्ला रेलवे स्टेशन का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक नींबू पानी बेचने वाला शख्स शरबत बनाने के लिए गंदे पानी का प्रयोग करता हुआ दिखाई दे रहा था। अब इसी तरह का एक वीडियो ठाणे स्टेशन से आया है। इस वीडियो के अनुसार एक चाय बेचने वाला शख्स चाय के कप को कचरे के डिब्बे में धोता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो का वायरल होने के बाद रेलवे ने कार्रवाई की और कैंटीन मालिक को 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया। बृहन मुंबई नगर निगम एक नया वीडियो एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर लगाने जा रहा है, जो वास्तविक समय में कैमरे द्वारा कैप्चर की गई आपदाओं की पहचान करेगा। इससे आपदा प्रबंधन विभाग के नियंत्रण कक्ष को जल्द से जल्द अलर्ट किया जाएगा। यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शाखा 9 न्यूज़, मत भूलना।